चलिए तो नमस्कार किसान भाई लोग, इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ का धान खरीदी वापस फिर से शुरू हो गया। अभी मौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद से छत्तीसगढ़ के किसानों को राहत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि धान खरीदी वापस से आज से शुरू हो गया है। कौन कौन से जिले में शुरू हुए हैं, क्या स्थिति है और टोकन को लेकर क्या नया अपडेट है, आज के वीडियो पर जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिए, और नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अप टू डेट जानकारी के लिए। साथ ही छत्तीसगढ़ किसानों के किसान समाचार और धान खरीदी, साथ ही धान खरीदी के भुगतान, वारदानों की स्थिति, फसल बीमा, फसलों का मुआवजा जैसे अनेक अपटूडेट जानकारी के लिए आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। जी हां किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में हुई बेमौसम बारिश की वजह से करीब सप्ताह भर से धान खरीदी प्रभावित रहा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में मंगलवार से मौसम के साफ रहने के साथ साथ धान खरीदी भी शुरू हो गया है। और आप लोगों को अच्छी तरह से याद है किसान भाई लोग, धान खरीदी का जो अंतिम समय है 31 जनवरी है, जो कि निकट है। इसी वजह से किसान चिंतित है। वहीं आपको बता दें, मंगलवार को प्रदेश के रायपुर, धमतरी, कांकेर, महासमुंद, बिलासपुर आदि जगहों पर धान खरीदी शुरू होने की खबर आ रहा है। टोकन को लेकर आप लोगों को बता दें किसान भाई लोगों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वस्त किए हैं कि जितने भी किसानों के पास टोकन रहेगा उनसे धान खरीदी की जाएगी। अब इसको लेकर अलग अलग खरीदी केंद्रों में अलग अलग व्यवस्था हो सकता है। अब कई सारे किसान ऐसे भी हैं जो पहले से टोकन कटा के रखे हैं, बीच पर पानी गिरा था, तो भाई उन लोगों को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं। हालांकि सीएम भूपेश बघेल पहले ही साफ कर चुकी हैं कि जितने भी पंजीकृत किसान भाई हैं सबसे धान की खरीदी होगा, और यह कोशिश किया जाएगा कि जो निर्धारित समय सीमा है 31 जनवरी के अंदर ही सारे धान खरीदी कर ली जाए। इसके अलावा अगर कुछ समस्या होता है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर धान खरीदी का जो समय सीमा है उस पर मतलब बढ़ाने का विचार भी कर सकते हैं सरकार। और इसको लेकर आगे जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो अपडेट आ रही है हम आप लोगों को बता दें, प्रदेश में इस वर्ष 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य है, जबकि अब तक 69.17 लाख टन खरीदी हो गया है। धान बेचने के लिए पंजीयन कराने वाले 22.66 लाख से 17.16 लाख किसान अब तक अपना धान बेच चुके हैं, मतलब आधा से ज्यादा धान खरीदी हो गया है छत्तीसगढ़ में। और जो किसान भाई हैं वो भी आधा से ज्यादा जो किसान भाई हैं वो अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच चुकी हैं। वैसे किसान भाई लोग, आप लोग अपना धान अब तक बेच पाए हैं या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। वही दूसरी ओर आप लोग को बता दें किसान भाई लोग, धान खरीदी की समय सीमा 1 महीने बढ़ाने, उसके अलावा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ व किसान मोर्चा संयुक्त रूप से मंगलवार यानी आज ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेता बताते हैं कि बेमौसम बारिश के कारण धान बेचने में किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, भाजपा की मांग में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने, साथ ही किसानों को यूरिया, डीएपी, पोटास जैसी खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। इन समस्या को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो चलिए किसान भाई लोग, आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जोर से रखिएगा कि आप लोग ने अपना धान बेच चुके हैं नहीं, साथ ही आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी का समय सीमा बढ़ाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से अपना विचार रख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिए किसानों से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।